पितरों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने हम कितने उपाय करते हैं। सभी ये चाहते हैं कि उनके पितर परमेश्वरों का आशीर्वाद उनके परिवारों के ऊपर बना रहे, क्योंकि देवता भी उस घर में बड़ी प्रसन्नता से आते हैं जहां पर पितर देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए यूं तो बहुत सारे उपाय हैं, पितरों के निमित्त बहुत मंत्र हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध के दिनों में इस एक मंत्र का जाप करने से आपको तुरंत ही पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। वह मंत्र कौन सा है, उसका जाप कितनी की संख्या में करना है और श्राद्ध के दिनों में वह जाप किस प्रकार से करना है। प्रिय साथियों, अगर आज की इस वीडियो में जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो पितरों से रिलेटेड आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपके घर में कितने ही बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा अगर आप श्राद्ध के दिनों में इस एक मंत्र का जाप करेंगे। पितरों के निमित्त बहुत ही कारागार यह मंत्र है। इस मंत्र का शीघ्र जाप करने से पितरों की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। साथियों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि पितर देवता दूध पूत अन्न धन की बरकत घर में करते हैं। कहते हैं कि जिस घर से पितर देवता रुष्ट हो जाते हैं वहां फिर देवता भी आने से कतराते हैं। ऐसे घरों में सुख शांति नहीं रहती, वहां पर आपसी क्लेश रहता है, वहां पर दूध पूत से रिलेटेड समस्याएं चलती रहती है, क्योंकि दूध और पूत को देने वाले जो है वो पितृ महाराज कहे गए हैं। पितरों को प्रसन्न करो, मन चाहा वर प्राप्त करो, ऐसा कहा गया है शास्त्रोक्त। शास्त्रों के अनुसार अगर आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी है तो उनके निमित्त आपने कुछ ना कुछ ऐसा उपाय ऐसा दान जरूर करना है जिससे पितर देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह दान क्या है जो पितरों को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है? क्या आपको पता है कि पितरों के लिए कौन से मंत्र का जाप करें जिससे वे तुरंत प्रसन्न हो जाएं? प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको वही उस एक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप श्राद्ध के दिनों में जपते हैं तो आपका कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। और अगर आपके घर में कितना भी पुराना पितर दोष है, श्राद्ध के दिनों में किए गए इस मंत्र के जाप से आपके घर का पितर दोष शांत होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि धर्म कर्म व्रत त्योहार और हिंदू शास्त्रों से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। साथियों, बात कर रहे हैं पितर देवताओं की प्रसन्नता की, कि पितरों को प्रसन्न कैसे करें। साथियों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन निर्मल होना चाहिए और अपने पितरों के प्रति आपके मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका किया गया सारा दान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पितरों की पूजा से पहले, पितरों के लिए दान करने से पहले अपने आप को ऐसा बनाएं कि पितर देवता शीघ्र ही आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं। अपने आप को अपने पूर्वजों के चरणों में मस्तक झुका करके उनसे नम्र प्रार्थना करें कि पितर देवताओं हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर हमसे, हमारे बच्चों से, किसी से भी अनजाने में अज्ञानतावश किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई है तो पितर देवताओं हमें अपना बालक समझ करके उस गलती को माफ करना। तो इस प्रकार से तन मन धन से की गई आपकी पूजा शीघ्र ही आपके पितरों को प्राप्त होती है
और स्वर्ग लोक से आपके पितर देवता आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र के बारे में जो श्राद्ध के दिनों में अगर आप जपते हैं तो इस एक मंत्र से आपके घर का बड़े से बड़ा पितृदोष शांत हो सकता है। मंत्र क्या है, मंत्र कितनी संख्या में जाप करना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, वह मंत्र है इस प्रकार, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। साइड में यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने वह मंत्र शो कर दिया है। चाहे तो आप इस मंत्र को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र का जाप आप जिस समय करेंगे, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मंत्र का जाप कोई भी फल नहीं देता। अक्सर भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हमने अमुक मंत्र का जाप किया था लेकिन कोई फल नहीं मिला। कारण, मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना होना। इसीलिए साइड में मैंने यहां स्क्रीन पर शो कर दिया है, ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। कितनी संख्या में करना है यह भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मंत्र का अगर आप श्राद्ध के दिनों में जाप करते हैं तो बहुत जल्दी आपके पितर देवता इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न होते हैं और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय बंधुजनों, श्राद्ध के दिनों में आपने पवित्र होकर के श्राद्ध ध्यान करने के पश्चात इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को प्रतिदिन करना है। श्राद्ध के 15 दिन नित्य रूप से आपने ओम पितृ देवताय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथियों, ध्यान पूर्वक इस डिटेल को सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र का नित्य रूप से 108 बार सुबह शाम जाप करने से आप अनुभव करेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष था तो वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपके घर में पितरों की कृपा बढ़ रही है। अगर आपको किसी भी संबंधी पितृ संबंधित कोई दिक्कत थी तो वह धीरे धीरे आपकी शांत हो जाएगी। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से बताए गए इस मंत्र का अगर आप श्राद्ध के दिनों में जाप करते हैं तो आपके घर में पितृ देवताओं संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जो दान आप करेंगे तुरंत आपके पितरों को प्राप्त होगा और उस दान से पितृ देवता प्रसन्न होकर के आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस संदर्भ में आपका कोई और प्रश्न भी है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जहां पर आपका जन्म हुआ है, यह सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्न का जल्द ही उत्तर देते हैं। प्रिय बंधुजनों, अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, और तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों से आज्ञा चाहता हूं। पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा भी आप सभी के ऊपर बनी रहे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म ज्योतिष से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी का निशान आता है उसको जरूर दबा लेंगे।